जय मेरे प्यारे दोस्तों, आप बहुत टाइम से मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हो कि मैं स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाऊं। आप सभी ने कमेंट भी किया है कि आप दीदी स्ट्रेटजी पे वीडियो लाओ, और आपने कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, तो आपने ये सारे कमेंट्स किए। पर वीडियो को लाने में थोड़ा डिले हो गया गाइस, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस वीडियो में मैं 4 मंथ्स की स्ट्रेटजी शेयर करूंगी, मतलब स्टडी प्लान शेयर करूंगी आपके साथ। तो जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो रिपीटर्स हैं जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को आप अपने हेल्प के लिए देख सकते हो। आपको इससे हेल्प मिलेगी जिससे आप अपनी स्टडी में कुछ सुधार कर सको और नेक्स्ट टाइम जरूर सेलेक्ट हो जाओ। और स्ट्रेटजी से भी पहले गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो 5 सितंबर से एसएससी जीडी की जो एप्लीकेशन को अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको वहां पे क्या ध्यान देना है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं और उनको जो है गलती से उनका जो पोस्ट है वो कोई और फोर्स में मतलब सिलेक्शन हो जाता है, तो जिसके कारण वो पछताते हैं कि मेरा मतलब एसएससी जीडी में मैं क्यों आ गया। तो आपको फोर्स अच्छे से सेलेक्ट करने हैं, वैसा फोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें आपको आगे आप कुछ और करने का आपको मौका मिले, ठीक है। आप कुछ और कर सको अपनी, ये सबकी ड्रीम जॉब तो नहीं होती कि एसएससी जीडी मेरा ड्रीम जॉब है, तो अपने ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए जिसमें आपको पढ़ने का टाइम मिल सके, आप ऐसे फोर्सेस का सिलेक्ट करो और आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो आपको मेन बात ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस आप अच्छे से सिलेक्ट करना, ठीक है। अब तो बात करते हैं एसएससी जीडी की स्ट्रेटजी पे, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें उसके एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को, ठीक है, कितने मार्क्स का होता है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जो सिलेबस है इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, और जो चौथा पेपर होता है वो आपका आपके अकॉर्डिंग होता है, या तो हिंदी होता है या तो इंग्लिश होता है, या फिर इसमें कुछ और भी लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, ठीक है। तो आप उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब ऑप्शनल लैंग्वेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैथ्स है वो कितना होता है, 20 क्वेश्चन का होता है, 40 मार्क्स का होता है, और सेम रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके, जीएस भी सेम 20 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। यानी टोटल जो होता है 160 मार्क्स का एग्जाम आपको होगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप होगा, जब आप पहला एग्जाम रिटन एग्जाम में पास हो जाओगे तो आपका सेकंड फिजिकल होगा, एंड देन थर्ड मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट आएगी, उसके बेसिस पे आपको फोर्सेस अलॉट होंगे, ठीक है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस जो है कि मैथ्स में कितने चैप्टर्स से आपको पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इंग्लिश है या तो आपका हिंदी है उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और जीके जीएस में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये आपको क्या करना है, एक कॉपी में या तो 4 पेज लेना है, उसमें आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, लिख लेना है, ताकि आप जो जो चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ उसमें आप टिक करते जाओ, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आपका जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में जो सबसे ज्यादा काम होता है वो खुद पे विश्वास होना होता है, और जब आप ऐसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे सिलेबस को टिक कर करके, तो आपका खुद पे विश्वास बढ़ता जाएगा। ये मतलब कहीं और से नहीं आएगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आएगा, ये खुद आपसे आएगा, ठीक है। तो ये सबसे स्टेप है वो है एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये आप कहाँ से करोगे, आप बुक लोगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेट होंगे। तो आपको पहला जो सेट होगा उसको सॉल्व करना है, आपको पहले कॉपी में 1, 2, 3 टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, वहां तक आपको नंबरिंग करनी है और सॉल्व करना है, और ABCD करके करेक्ट मतलब जो भी करेक्ट आपको आपका आंसर आया है उस ऑप्शन का नंबर लिख देना है, फिर आपको लास्ट में उसको चेक करना है कि आपका वो थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, तो भी आप इस मतलब सारे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ पढ़ो और उसके आंसर को देख करके सॉल्व करो, ठीक है, ये आपको करना है। अब जो थर्ड स्टेप है, अब वहां से हम लोग का जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो था आपको सिलेबस कॉपी में नोट डाउन करना और प्रीवियस ईयर पेपर्स का गो थ्रू करना, ठीक है, ये 2 स्टेप है एकदम स्टार्टिंग के। अब जो तीसरा स्टेप है वो हमारा पूरा प्रिपरेशन है, जिसमें 4 मंथ्स के स्टडी प्लान होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, अब हम युद्ध करेंगे तो हमें हथियार भी चाहिए, हमारा हथियार क्या है, बुक्स। तो बुक्स को उसमें क्या करना है, आपको बुक्स में सेलेक्टिव बुक्स ही रखने हैं। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो ठीक है, ठीक है, और नहीं है तो मैं बुक को सजेस्ट मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर पिनाकल की बुक और आरएस अग्रवाल की बुक, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक बुक ले लो, ठीक है। रीजनिंग के लिए लूसेंट है, पिनाकल्स भी है और किरण पब्लिकेशन की भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप रीजनिंग के लिए भी कोई भी बुक आप प्रीफर कर सकते हो, सारी बुक अच्छी हैं। उसके बाद जीके जीएस के लिए लूसेंट और आप खुद के नोट्स होंगे, ठीक है, ये काफ़ी हैं। और प्रैक्टिस के लिए अगर आप किरण पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हो तो आप ले लो, ठीक है। और जो फोर्थ है वो हिंदी है, हिंदी के लिए मनोरमा पब्लिकेशन की बुक आती है, और इंग्लिश के लिए नीतू सिंह का जो Volume 1 है वो, ठीक है। बाकी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास कोई बुक पहले से जिससे आप पढ़ रहे हो वो काफ़ी है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। आपको ये नहीं कि बुक सजेस्ट हो गया तो आप इसको मार्केट से परचेस करो, ये जरूरी नहीं। हाँ, परचेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप
कोई आप एक टेस्ट सीरीज खरीद लो, ठीक है, जिससे आप मॉक टेस्ट दोगे अगर खरीदना ही है तो, और दूसरा है कि आप प्रीवियस ईयर बुक खरीदो, ठीक है, और ये आपको काम आएंगे। और बाकी जो बुक अगर आपके पास पहले से है तो आप वो बुक से पढ़ाई कर सकते हो। बाकी जितने सजेशन से जो भी बुक मैंने बताया है उनमें से कोई एक बुक आप, मतलब हर सब्जेक्ट के कोई एक एक बुक आप अपने पास रख लो, जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम जीके जीएस की बात करेंगे, जिसमें तीन पार्ट होंगे, ठीक है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, और जिसमें साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब आएंगे, ठीक है। तो हम इसकी प्रिपरेशन वीक वाइज करेंगे, जिसमें हम 9 से 10 वीक में जीके जीएस को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वीक में हम पॉलिटी को उठाएंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को एक वीक से ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास उतना भी समय नहीं है कि हम एक ही चैप्टर को, एक ही सब्जेक्ट को एक महीने तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टाइम लिमिटेड रखना है। तो एक वीक में एक कोई सब्जेक्ट, ठीक है। तो पॉलिटी, सबसे पहले पॉलिटी लेना है, ताकि आपका जब क्वेश्चन बनाओ बनने लगे तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटी उठाना है। वीक वन में हमें क्या करना है, पॉलिटी। वीक टू में हम साइंस लेंगे, जिसमें बायोलॉजी लेंगे, ठीक है। फिर वीक थ्री में केमिस्ट्री, वीक फोर में फिजिक्स, उसके बाद वीक फाइव में इकोनॉमिक्स, वीक सिक्स में ज्योग्राफी, और वीक सेवन में भी ज्योग्राफी करना है। ज्योग्राफी थोड़ी मतलब थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसे 2 वीक में कंप्लीट करेंगे। और फिर वीक 8, 9, 10 इसमें हिस्ट्री कंप्लीट करना है, क्योंकि हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, ठीक है। तो 8, 9, 10, तो 10 वीक तक हमारा जो है ये जीके जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके की बात करते हैं, तो हर 3 दिन में आपको एक टॉपिक कंप्लीट करनी है, तो जिससे आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर्स की बात करें, तो इसमें लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स करने हैं, मतलब 2024 की पूरी करंट अफेयर्स कर लेना। आपको पहले वीक में क्या करना है कि जनवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेना। यूट्यूब पे आपको मंथली करंट अफेयर्स सर्च करोगे तो आ जाएंगे, ठीक है। वहां से आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाना है और आपको याद भी करते जाना है। तो मंथली करंट अफेयर्स कर लेना, ठीक है। आपको डेली करंट अफेयर्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप मंथली कर लो, उसको नोट डाउन कर लो, और फिर रिविजन उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करते रहो, ठीक है। तो जिससे आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी मैंने बताया कि वीक वन में ये करना है, आपको करना कहाँ से है, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से किया। तो ठीक है, तो सब मैं YouTube के 2 चैनल बताती हूँ, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पहले तो परमार SSC हो गया, वहाँ पे आप अगर ऐसे सर्च कर लोगे कंप्लीट पॉलिटी बाय SSC परमार, तो वीडियो खुल के आ जाएगा। ये तो कंप्लीट पॉलिटी बाय करियर विल, तो वहां से आपका वो खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको देखना 7-8 घंटे की जो वीडियो होगी, 9 घंटे की वीडियो होगी, आप वहां से जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। और स्टैटिक जीके भी सिमिलरली आपको ऐसे सर्च करके देखना है, आ जाएगा। मैं ये 2 मतलब चैनल्स हैं जहां से आपको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक ही जगह एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आप जल्दी से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की या इंग्लिश की, ठीक है। तो हिंदी में आप मनु ले सकते हो, वहां से आप पर्यायवाची शब्द वगैरह जो भी है ग्रामर के रूल्स पढ़ लो, और डेली जो पर्यायवाची शब्द वगैरह है वो याद करो डेली बेसिस पे 15-20, ठीक है। और जिनका हिंदी है शुरू से लैंग्वेज, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिमिलरली इंग्लिश का जो है वो जो नीतू मैम की मैंने बुक बताई है वो आप ले लो, और उससे डेली वोकैबुलरीज वगैरह याद करो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आप डेली बेसिस पे याद करो, ठीक है। ये आपको डेली करना पड़ेगा। और ग्रामर के रूल अगर आपको बुक से पढ़ने में समझ में आ जाती है तो ठीक है, वरना डायरेक्ट आप सर्च करो यूट्यूब पे नाउन प्रोनाउन ऐसे करके आप चैप्टर को सर्च करो, वो चैप्टर बहुत सारे खुल के आ जाएंगे। उसमें से आपको जो जिनका वीडियो भी अच्छा लगे आप उनका वीडियो आप देख सकते हो। रानी मैम है, नीतू मैम है, ठीक है, निमिषा बंसल मैम है, जिन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है इंग्लिश में, तो आप वहां से ग्रामर कंप्लीट कर लो। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करने जा रही हूँ, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, यानी 40-40 दोनों से 80 मार्क्स पूरा का पूरा गेन कर सकते हो। अगर आपका खुद का मिस्टेक रहा तभी आप जो है किसी मतलब नंबर उसमें कट जाए, और बाकी अगर क्वेश्चन टफ आ जाए जो सबके लिए टफ होगा उसमें से आपका नंबर कट सकता है। वरना ये दोनों सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ही हाई लेवल पे रहा, अच्छा रहा, तो इसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर रीजनिंग की आप देखोगे तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ। रीजनिंग बहुत ही इजी आता है अगर आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जितनी मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो, तो आपका रीजनिंग में जो है वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो रीजनिंग के सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, देखो कौन कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर को डायरेक्ट सर्च करो यूट्यूब पे, यूट्यूब से कंसेप्ट कंप्लीट करो, उसके बाद बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस पर सर्कल मार्क करो और फिर उसके सॉल्यूशन को देख करके उसको देख करके बनाओ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये रहा रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आप इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, तो बुक से करो, या तो आपने मॉक टेस्ट ले रखा हुआ है उससे करो। डेली क्विजेस आते हैं, अड्डा 247 पे आता है, टेस्ट बुक पे आता है, फ्री क्विजेस आते हैं, वहां पे आप टेस्ट
लगाओ, ठीक है, क्विजेस लगाओ, तो जिससे आपका रीजनिंग ठीक हो जाएगा ये। और रीजनिंग बहुत ही इजी आता है, बहुत इजी, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसमें फुल मार्क्स तो गेन करना ही करना है। अब करते हैं बात मैथ्स की। मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत लोगों को, क्योंकि मैथ्स से डर लगता है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में मैथ्स के लिए बता रही हूँ। तो बहुत ध्यान से देखना, नोट डाउन कर लो सारे स्टेप्स को, मैंने जो पहले बताए हैं सारे स्टेप उसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, और उसको अपने अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेटेजी बनाना और इससे हेल्प ले लेना, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की, तो इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ। अर्थमेटिक मैथ में क्या होता है कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। एडवांस मैथ्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन, ये सबसे मतलब बेसिक टाइप के फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको फॉर्मूला, जो मेंसुरेशन का फॉर्मूला है, मेंसुरेशन से स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड जो भी होता है ना, एरिया, सरफेस एरिया, ये सब आपको नोट डाउन करके या तो अपने सामने दीवार पर चिपका देना है, ठीक है। दीवार पर चिपकाना क्या क्या है वो पहले सुन लो। स्क्वायर, क्यूब, टेबल और अलजेब्रा का फॉर्मूला, अलजेब्रा में क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब वगैरह, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये सब आपको पूरा लिख करके दीवार पे चिपकाना है। और इसको डेली मॉर्निंग में आपको क्या करना है, रिविजन करना है। दिमाग पे जोर डाल के कोई याद नहीं करना है, बस उसको कॉपी और पेन लेना है, उसको देख देख के लिखो और सोच सोच के लिखो। मतलब आप अगर एक बार देख के लिखे ना, तो फिर उसको दिमाग पे जोर सोचो कि हाँ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एल इंटू बी होता है। तो ऐसे करके आपको वो बस मॉर्निंग के टाइम पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिससे आप जब ये डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में परमानेंट ही खुद ही आपके बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। आपको कोई वो नहीं कि एक दिन हम निकाल के सब कुछ बैठ गए और याद करने लगे उसको रट रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। उसको आपको डेली डेली ड्रॉ करना है पेपर पे, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला का बात हुआ, ठीक है, आपको इस तरह फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। अब सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, तो हर 5 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। एक चैप्टर के लिए आपको 5 दिन का समय को लिमिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज उठाएंगे, क्योंकि परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक मैथ का बेस है, परसेंटेज और रेशियो। तो सबसे पहले आप परसेंटेज उठाओ, ठीक है, उसको कंप्लीट करो, सबसे पहले यूट्यूब से कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बनाओ, बुक से प्रैक्टिस करो। तो जो आप यूट्यूब पे बनाओगे, यूट्यूब से पढ़ोगे, उसके आप नोट्स बनाना, ठीक है, और जो बुक से प्रैक्टिस करोगे ओनली रफ पेज पे उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको फिर सर्कल करो और उसको फिर सॉल्यूशन देख करके बनाओ, ताकि आपको फिर वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपको पढ़ना कहाँ से है, YouTube पे। तो YouTube पे मैं कुछ टीचर्स के नाम बता रही हूँ, आपको जो टीचर अच्छा लगे आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले राकेश यादव सर हैं, अभिनय सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं। और अगर आप पहले से भी किसी किसी सर से पढ़ रहे हो, कोई टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सभी टीचर अच्छे हैं, सभी टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है, बाकी हर कॉन्सेप्ट तो वही होता है, बस सभी टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है। समझने वाले पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से समझ में आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टीचर से पढ़ लो, और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स के लिए। तो अपने हमें नवंबर तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, साथ ही साथ रिवीजन भी करते जाना है, क्योंकि जो दिसंबर का मंथ होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। और अभी मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, वीक में एक बार आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और उसका पूरा एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब ही वही है कि आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बना है उसको आप देख देख के सॉल्यूशन करो, देखो वो कैसे क्वेश्चन बना है, मेरे इसे मिस्टेक क्या हुई, क्या हुआ है, ठीक है। ये सबको देखना होता है। गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है, वो अभी से अपने प्रैक्टिस में लाओ कि गलत क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। जिसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे ही नहीं, तो ऐसा प्रैक्टिस में आपको लाना है, ठीक है। तो आपको डेली एक टू डू लिस्ट बनानी है और अपने अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि आपका जो आपने जो भी टू डू लिस्ट में लिखा है उसका एटलीस्ट 85% कंप्लीट हो, ठीक है, क्योंकि किसी का भी 100% कंप्लीट नहीं होता और उसे डिमोटिवेट नहीं होना है। पर कोशिश करना है कि आपका 85% तो कंप्लीट हो, 75% तो कंप्लीट हो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्ट्रेटजी की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और वीडियो अच्छा लगा है आपको, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को प्यार देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना।